हाय गाइस, कैसे हो आप? हाय खुशबू, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. तो ये कहना था, फॉर अ लॉन्ग टाइम हैप्पी न्यू ईयर. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को, सबको, पूरे दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा, जो बहुत टाइम से एक मैटर चल रहा था 67A, जब मैं बार बार आके मीडिया से, लोगों से कहता था कि मैंने ये चीज़ नहीं की है, नहीं की है, जिसके चलते हमने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दर्ज की थी. उसके बाद अम्बोली पुलिस स्टेशन में फाइनली हमारी FIR ली गई थी. जैसे मैं कह रहा था, इस संविधान में लड़कियों को लेकर इतना चीज़ें आसान बन गई है कि एक झूठा बेबुनियाद केस फाइल करके मुझे 6 महीने की सज़ा करवाना 3 घंटे में हो गया. जब मैं न्याय की लड़ाई में गया, एक्चुअली जाके मुझे पता चला कि मुझे 3 महीने लग गए एक FIR दर्ज करने में. बट सत्यमेव जयते, मैं इतना प्राउड हूँ कहने के लिए. लोगों को मैं कहना चाहूँगा, चीज़ें होती हैं, पेशेंस रखो. फाइनली FIR हुआ. 2 महीने से राखी एब्सकॉन्ड थी, लगातार एंटिसिपेटर बेल के लिए अप्लाई कर रही थी दिंडोशी कोर्ट में. तो फाइनली दैट्स इन सेशन कोर्ट. सेशन कोर्ट में बेल रिजेक्ट हो गई है 67A के चलते, बिकॉज 67A ऑलरेडी एक FIR दर्ज हुआ है राखी सावंत पे, शर्लिन चोपड़ा का. तो 67A उस केस में वो बेल पे बाहर थी. तो दोबारा उस सेम जुर्म राखी ने किया है, इसको प्रूव किया गया है. इसके चलते राखी का FIR दर्ज हुआ और बेल भी रिजेक्ट हो गई. आई एम सो प्राउड. मुझे इतना अच्छा लग रहा है. देखो, कभी भी ना सच की जीत होनी चाहिए. आप गलत करो तो आपको सजा मिलेगी, सजा मिलेगी. बट आप जब कुछ भी नहीं करते हो, आपको सजा मिलना एक बहुत गलत चीज है, बहुत गलत चीज है. डटे रहो और लड़ो चीजों को. कई आज मैं बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करता हूँ, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जो भी इंसान कहते हैं कि हमें तकलीफ हो रही है, मैं खड़ा हो जाता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ. क्यों सपोर्ट करता हूँ? बिकॉज मुझे पता है वो दर्द, आपके जमीर को पता है आपने गलती नहीं की. जब आप मिरर में खुद को देखते हो, आपको पता है आप इनोसेंट हो, फिर भी आपको भुगतना पड़ा. सोसाइटी में मेरे माँ बाप को जलील किया गया, किसके चलते? कि मैंने अच्छाई की किसी के लिए. मेरे पैसे, मेरे चीजें मैंने खर्च करके मुझे बदनामी मिली, विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड. तो आई एम सो हैप्पी, आई फील ब्लेस्ड कि फाइनली ये चीजें हो रही है. शी हैज टू फेस दिस, बार बार पांच पांच शादी करना, लोगों को ठगना, लड़कों के साथ हर हमेशा ये करना, फैमिलियों को जलील करना आसान नहीं है. मत करो किसी की जिंदगी, इमोशन के साथ खिलवाड़ मत करो. सबके लिए उनके बच्चे बहुत अच्छे होते हैं. गलती करते हो तो भुगतो, गलत इंसान को सजा मिलनी ही चाहिए. जब हम जैसे लोगों को ये सब चीजें होती है ना, तो रियल विक्टिम छूट जाते हैं. तो गाइस, टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. मैं चाहता हूँ इस साल बहुत सारी खुशियाँ हर एक इंसान की जिंदगी में. टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर गाइस अगेन. चलो मिलते हैं. थैंक यू सो मच. कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी. मैं हूँ आपका आदिल खान दुरानी.